हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 9 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। वीडियो पॉज हो गई थी तो दोबारा बनाई है, तो अब दोबारा बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। कैलकुल ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि ऐसा ना लगे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन नहीं, मैं आपको बिल्कुल वैसे एनवायरमेंट दे रहा हूँ जैसा हम यहाँ पे पढ़ते थे, बस आप मेरी बात को सुन ही रहे हैं। वही जैसे एग्जाम्पल, वही हमारे रामबाण इलाज, सारी बातें वही हैं, सब कुछ वैसे चलेगा। बिल्कुल भी आपको फील नहीं होने दिया जाएगा कि यार नहीं, हम तो घर बैठे हैं और पढ़ाई वेस्ट हो रही है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा भी है, जो आपके पेरेंट जैसे कहेंगे, हम अकॉर्डिंग आपको बुलाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको पूरी बात क्लियर करवाएंगे। ओके, इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना। और मैंने सब बच्चों को बोल दिया है कि वीडियो अपलोड होने के बाद 3 घंटे के विदिन हम मुझे कॉल करें, मुझसे बात करें, कोई भी डाउट होगा वो इसको कंप्लीट करें। मोटिव होगा कि हमें किस तरह से कोई काम देने कैसे कंप्लीट करना है। इस हफ्ते में हमने वो फ्यूल वाला अपने बिजनेस चैप्टर कंप्लीट करना है, इस हफ्ते में हमने नेशनल इनकम को लेके जाना है आगे। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, हम इस चीजों जुड़ करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई खास नहीं है, वही वेट, वही 1 2 3 4 5 सेम वही क्वेश्चन। एक चीज जो +1 में सीखी थी पाजी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पेपर में नहीं आया था है? हाँ, पेपर में नहीं आया था। जो चीज गलती से डेबिट हो जाती है ठीक करने के लिए क्रेडिट, और जो चीज गलती से क्रेडिट हो जाती है ठीक करने के लिए डेबिट। एसेट की नेचर कैसी होती है? डेबिट। और लायबिलिटी की नेचर कैसी होती है? क्रेडिट। अगर एसेट इंक्रीज करेगी तो वो डेबिट होगी, अगर एसेट डिक्रीज करेगी तो वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये चीज +1 से मेरे पुराने बच्चों ने सीखी हुई है। जो नए बच्चे कनेक्ट हुए हैं इस साल आपके साथ, तो उन बच्चों को ही मैंने बात बताई थी कि एसेट्स की सारी नेचर डेबिट होती है, और लायबिलिटी की नेचर कैसी होती है? क्रेडिट होती है। अगर एसेट इंक्रीज करेगी तो डेबिट ही होगी, अगर एसेट डिक्रीज करेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसके अंदर एक नई बात आएगी सीखने के लिए। इसके अंदर क्वेश्चन एक नई बात क्या आएगी, तभी मैं आपको पहले कथा से सुनाता हूँ, तभी हम आगे चलते हैं। कथा बहुत जरूरी है, स्टोरी बहुत जरूरी है। तो वो स्टोरी ये कहती है कि अब आपने क्या किया, आपने एसेट नहीं खरीदी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल की रिपेयर करवाई, मैंने अपने मोटरसाइकिल की रिपेयर करवाई उस पे। अब पुराने आप सब बच्चों ने मेरा मोटरसाइकिल देखा होगा, भैया का मोटर मेरे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने क्या किया उस, मैंने कहा था मैं इस मोटरसाइकिल को बिल्कुल क्या करवाऊंगा, नया कराऊंगा, मतलब इसका इंजन भी नया, टैंकी के ऊपर पेंट नया, सब नया करा देना। तो ऐसा था वो रिपेयर ही हुआ, तो उस रिपेयर पे उसके 15,000 रुपये खर्च हुए हैं। अगर वो 15,000 रुपये रिपेयर पे खर्च हुए हैं, तो मैं क्या उसको ये मान लूंगा मैंने एक नया मोटरसाइकिल खरीद लिया? ऐसा नहीं कर सकते। वो नया मोटरसाइकिल नहीं है, वो पुराना ही है, बट उसकी रिपेयर करवाई गई है। मतलब जर्नल एंट्री बननी चाहिए कि रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मैंने गलती से उसको ऐसे लिख दिया मोटरसाइकिल टू कैश, तो गलत हो गया। कैश से कैश कैंसिल, रिपेयर टू मोटरसाइकिल एंट्री होनी थी। जब मैंने गलती से उसको मोटरसाइकिल लिख दिया, तो मोटरसाइकिल लिखने से मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, जो गलत था माइनस हो गया। उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन ऐड करना और मोटरसाइकिल करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। अभय जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके ग्रुप में भी डिस्कस होगा, आपके ग्रुप में भी वीडियो जाएगी, तो गुडविल से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने बच्चों से एडमिशन भी स्टार्ट करना, तो क्यों ना उससे अटैच हो जाए फटाफट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिपेयर करवाई थी और लिख दिया एसेट में, और एसेट में लिखने से मैंने उस पर क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन, जो गलत लगा दिया। डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और जो माइनस था उसको डेप्रिसिएशन माइनस हो गया था, तो ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, और जो एसेट ऐड कर दी थी वो लेस कर दी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आया है तो जरा चलते हैं। 5 साल की बात हुई है। लो भैया जी, विदाउट फॉर्मेट तो आप बात नहीं करेंगे, फॉर्मेट के बिना तो मैं बिल्कुल नहीं चलता। जब तक आपके फॉर्मेट नहीं बनते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आपकी कॉपीज को चेक किया जाएगा, कहीं मेरे मैं तो 2 डंडे मारूंगा, पेरेंट्स कहीं 4 मार के उठ गया, इस बात का ध्यान रखना। पर्टिकुलर्स एग्जाम्पल नंबर 9 डिटो क्वेश्चन होगा, जो डाउट्स होंगे सारे क्लियर किए जाएंगे। आपका 31 मार्च 2015, देन 16, देन 17, देन 18 और देन 19, आपके 5 साल ये।
जी बाजी जरा प्रॉफिट डिस्कस करें, प्रॉफिट बोले बाजी 36,000 फर्स्ट, देन 1,70,000, 1,70,000 देन 1,90,000, 1,90,000 देन 2,00,000, 2,00,000 देन 3,50,000, 3,50,000। ये आपके पांच प्रॉफिट है बच्चों, सारे बच्चे सुन रहे होंगे, आपका फर्स्ट नंबर 6, फिर देन नंबर 70, देन नंबर 90 एंड देन 2,00,000, अब देन नया 3,50,000 रुपीस। अब ठीक है, ये आपके प्रॉफिट चल रही, सही चल रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं, अब नॉर्मल लॉस 50,000 इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2015। अब नॉर्मल लॉस, लॉस क्या होता है? अब नॉर्मल लॉस क्या होता है 15 की बात हो रही है, पहला ही साल हमारा 15 है, ये मेरा 50,000 है। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। अब नॉर्मल गेन 30,000 31st मार्च 2016 लेस, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, माइनस 36,000, 16 की बात हो रही है तो मैंने 16 में माइनस कर दिया, ब्रैकेट लगा दी इस चीज का, 36,000 नहीं है, 30,000 है और ब्रैकेट लगा दी मैंने, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ब्रैकेट लगानी जरूरी है, माइनस के लिए ब्रैकेट लगेगी। और अपनी किताबें आप बच्चे प्लीज सब बच्चे साथ में रखें, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा वैसे वैसे अंडरलाइन कर रहे हैं, आप बच्चे जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं वो सारे तो करेंगे, क्योंकि जब तक आप अंडरलाइन नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, ये बात आपको शुरू से बता दी गई है। और ये चैनल सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है, ओनली सब्सक्राइब नोट शेयर, शेयर नहीं करना, कोई मार्केटिंग नहीं है, मैंने कोई मार्केटिंग नहीं करनी कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ मार्केटिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, शेयर करने है, जिस दिन बोलूंगा उस दिन शेयर करना, लेकिन अभी सिर्फ आप ही के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, आप ही की पढ़ाई के देसी एग्जाम्पल आप ही को समझ आएगा, किसी और को समझ आएंगे कि अब ट्यूशन में कौन से राम बाण करते थे, ट्यूशन में कौन सी कथाएं चल रही है, इनको क्या पता, क्यों जी कशिश जी, कशिश जी हंस रही हैं। चलते हैं बाजी, मंद मंद हंस रहे हैं, चलो थर्ड एग्जाम, थर्ड है रिपेयर टू कार 40,000 was wrongly debited to the vehicle account on the 1st January 2018। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, रिपेयर टू कार, कार की रिपेयर करवाई थी और वो गलती से व्हीकल में डाल दी, मतलब मैंने गाड़ी की सर्विस करवाई, गाड़ी का काम करवाया, मेरे 50,000 रुपए लगे, कितने लगे 40,000 लगे, और मैं ये सोच लूं कि मैंने नई कार खरीद ली, रिपेयर ही हुई है, रिपेयर खर्चा था लेकिन मैंने उसको कार में डाल दिया, और कार में तो डाल दिया और आगे क्या किया, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, एंड डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन, मैंने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। दो गलती कर दी, पहली गलती कि मैंने उस रिपेयर से उसको क्या मान लिया, कार मान लिया, ये गलती कर दी। दूसरी गलती क्या करी कि मैंने दो गलती, अभी दोनों गलतियों कैसे ठीक करेंगे, पहले पहली गलती ठीक करेंगे, क्यों जी अभी पहले क्या करेंगे हम उसकी कार को क्या जो उसने कार माना उसको ऐड किया और उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, सबसे उल्टा क्वेश्चन, ठीक है ना, जो उसने कार गलती से मान लिया था तो वो अब हमें लेस करना पड़ेगा, हम लिखेंगे लेस रिपेयर एक्सपेंस, लेस रिपेयर एक्सपेंसेस, किसके, कार के, कार लिखा ना ब्रैकेट में लिख दिया कार, आज कितने के रिपेयर के एक्सपेंसेस थे आपके 40,000, और बात कब की है, 1st January 2018। हाँ जी पांडे जी, 1st January 2018 किस में आना चाहिए, 1st January 2018 किस में आना चाहिए, 17-18, सबसे बढ़िया बात, क्योंकि 1 April 2017 1st April 2017 अगर स्टार्ट करेंगे तो कब खत्म होगा, 31st March 2018 को खत्म होगा, तो आपका साल है 17-18, तो सब बच्चों दिख रहा होगा 17-18, ये रहा रेड पेन से लिख देते, ये रहा ढूंढो, ये रहा बिल्कुल, तो मैंने इसमें उसको 40,000 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। भैया एसेट तो ऐड होती है, आप माइनस क्यों कर रहे हो, अरे भाई एसेट नहीं खरीदी, क्या करा, रिपेयर कर, ये जो गलती से उसने लालच के चक्कर में ऐड, गलती होगी ठीक करनी है, वही जो पिछले क्रम में किया डेबिट कर दिया ठीक करके क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करते ठीक करते करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा, वो चीज आगे, चलो एक गलती ठीक होगी, अब इसमें आगे एक और गलती कर दी, उसने क्या लगा दिया डेप्रिसिएशन, और भैया ने लैक
भैया को दे सकते हैं। हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट्स से समझता था भैया को, भैया बिना वर्किंग नोट्स के नहीं समझ सकता। वर्किंग नोट्स, पहला डेप्रिसिएशन, फर्स्ट जनवरी 2018 से लेकर 31 मार्च 2018 40,000 की चीज 3 मंथ और कितना कितना परसेंट लगाया भाई? 10% लगाया, जो गलती से लगाया, जो निकाल के हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जो आपका 1,000 रुपीज आया। ठीक है जी, आगे फर्स्ट अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, पूरे साल चलेगी, देखिए लिख रहा है यहां से थी 18 में, 18 में तो पूरे काम के अगले साल पूरा साल चलेगी, आगे होता पूरा साल चलती। पिछले क्वेश्चन में मैंने माइनस करके निकाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं माइनस नहीं करूंगा, मैं सिंपल 40,000 पे निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है? लगाना है तब भी ऊपर से, खरीदनी है तब भी ऊपर से, बेचनी है तो वो भी कहां से लगेगा? ऊपर से ही तो लगता है। तो चलते हैं, ऐड करेंगे। मैंने कितना बड़ा साइन डाला, ऐड, अंडरलाइन कर देता हूं, ऐड, रेड पेन से अंडरलाइन किया, आदत वही है, बस आप घर पे हैं तो टेंशन नहीं है, आप ट्यूशन कराए बारे में पढ़ रहे हैं। ऐड डेप्रिसिएशन 1000 और ऐड क्यों किया? क्योंकि गलती से मैंने क्या मान लिया, उसे डेप्रिसिएशन एसेट मान लिया, सॉरी एसेट मान लिया, तभी तो उस पर क्या लगा दिया मैंने, डेप्रिसिएशन, तो मैंने उसको ठीक करने में रखने में लगी ऐड। कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका ये तीसरा, अगली क्या है, चौथी एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। अरे पांडे जी, चीनी कम लाए हो आप इस हफ्ते के लिए, ऐसा करो जो अगले हफ्ते का आपने अलग से रखा हुआ है डिब्बा संभाल के, उसमें से निकाल के दे दो। ऐसे होता है जब हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं, हमने सोचा था 2 आएंगे, बट कहाँ, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे आते हैं, 2-5, हरियाणा में तो हमारे ऐसे होता है 2 की जगह वो 8-8 इकट्ठे आते हैं, चाचे बुआ ताई सारे इकट्ठे, बच्चे उनके, हरियाणा तो फेमस है मामे के जाना है, खुद मामे हैं, तो मम्मी कहेगी भाई 2 किलो चावल पड़े हैं डब्बे के, तो ये तो कम पड़ गए मतलब अंडर वैल्यू, तो ऐसा कर ऊपर जा, ऊपर रसोई में पड़े हैं या ऊपर जा माउंटी में पड़े हैं, चावल का डिब्बा पड़ा है उसके अंदर से निकाल जो अगले महीने वाले चावल पड़े। तो मतलब क्या हुआ कि अगले महीने के चावल को इस महीने में ऐड कर दिया, तो इस साल तो ऐड होना चाहिए, और अगले महीने क्या हो जाएगा? लेस, क्योंकि अगले महीने के चावल तो कम बचे हैं हमारे पास, अगले महीने के 20 किलो रखे हुए थे, 5 किलो निकाल लिए उसमें से, तो अगले महीने कितने रह गए? 15, और इस महीने तो बढ़ गया, तो अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू होता है कि कम लगा है, तो उसको बढ़ाओ, अंडर वैल्यू को इस साल कंप्लीट करो, अगले साल में से यूज किया उसको, देसी एग्जांपल के थ्रू करके देखें तो अगले साल में क्या हो जाएगी, वो चीज कम हो जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग अगर बढ़ाओगे तो अगला ओपनिंग क्या हो जाएगा? कम। अगर क्लोजिंग कम करोगे तो ओपनिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनता है? ओपनिंग बनता है। क्या बनता है? बिल्कुल उल्टा है पिछले क्वेश्चन की तरह। पहले ऐड करेंगे अंडर वैल्यू, ओपनिंग है क्लोजिंग है, क्लोजिंग ही है, अंडर वैल्यू क्लोजिंग कितना है? 50,000 रुपीज। इस साल की बात हो रही है, ये बात हो रही है 18 बट अगले महीने के डिब्बे में से मैंने पहले ही निकाल लिया, तो अगले महीने में लेस अंडर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी, 50,000 अगले क्योंकि 50,000 लगा लो या 5 किलो लगा लो पिछले साल, अगले महीने के 5 किलो इस महीने यूज कर लिए, तो इस महीने तो ऐड हो गए, पर अगले महीने क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि लेस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपके एडजस्टमेंट्स है। दोबारा से, पहले एडजस्टमेंट अबनॉर्मल लॉस ऐड होता है, प्रॉफिट क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन थर्ड और जो फोर्थ एडजस्टमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्या करना है? कार की रिपेयर करवाई थी,
और गलती से एसेट मान लिया और उस पे क्या लगा दिया डेप्रिसिएशन। तो पहले उसको ठीक करेंगे, तो गलती से कार मान ली थी ठीक करने के लिए तो माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि कार को गलती से मान ली। सेकेंडली उस पर डेप्रिसिएशन लगा देना, डेप्रिसिएशन तो माइनस में माइनस करते हैं, अब वो तो गलत लगा दिया ठीक करने के लिए भैया अगले महीने की चिन्नी को सरदार जी पांडे जी अभी यूज करते या हमारे घर में ज्यादा वो आ गए गैस का कुछ भी तो एडजस्टमेंट है नहीं। जब हम टोटल करते हैं नेट प्रॉफिट्स कितने हैं आपके, पहला है आपका 86,000, नेक्स्ट है आपका 140,000, नेक्स्ट है आपका 190,000, नेक्स्ट है आपका 211,000 और नेक्स्ट है आपका 304,000। देन अगेन हैज प्रूव कि वेट मेथड में प्रॉफिट कंटिन्यू या तो इंक्रीज होते हैं या कंटिन्यू क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं, दोनों में से एक चीज होती है, या कंटिन्यू इंक्रीज होते हैं या कंटिन्यू क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं। ये दो क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने वाले हैं, इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा वेट डिफरेंस में ओवर वैल्यू था चीनी फालतू थी जैसे एग्जांपल दिया, एक में अंडर वैल्यू था, एक में एसेट खरीदी गई थी, एक में एसेट गलत से खरीदी गई थी, तो दोनों का डिफरेंस भी आपको बता दिया गया। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स को बड़े ध्यान से करना है, देन दोनों के क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चन डिटो है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है, उसके अंदर रेमुनरेशन आएगी 400 पर ईयर है, 4 साल लेस करनी है, इंश्योरेंस आएगा पर ईयर वो भी 8 साल लेस करना है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आएगी वो भी माइनस होती है, लॉस बाय फायर आएगा वो ऐड होता है, सेम क्वेश्चन है वो पैराग्राफ में दे रखा है लेकिन आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा वो कैसे करना है। ठीक है जी, तो ये आपका जो टॉपिक 8th और 9th जो आपका है ये आपका टॉपिक खत्म होता है फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा अभी शुरू जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें होगा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और सुपर प्रॉफिट मेथड के हमें थोड़ा सा कल ट्रायल बेस थोड़ा समझाया भी था पाजी, आपने मुझे फीडबैक दी, सब्सक्राइब किया था चैनल आपने क्या पढ़े जी, वेरी गुड आपने, ठीक है सब्सक्राइब करना है शेयर नहीं करना ध्यान रखना। तो आज हम अगले 4-5 क्वेश्चंस और करेंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है और पक्की पक्का आवाज आएगी, और भैया यार इतने क्वेश्चन एक दिन में करा रहे हो आप, अरे भाई कुछ नहीं है बड़े आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे से तो बड़े ध्यान से करेंगे। तो चलते हैं अगले काम की तरफ नेक्स्ट वीडियो में, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, ओके बाय।